शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं। फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि यह लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा। तो बस वो एक डांट होगी, उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया फिर बुलंद आवाज से बोला, सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया फिर उसे बराबर कर दिया और उसी ने रात तारीख बनाई और दिन को धूप निकाली और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोज़ख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है। सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे।